गए, लेकिन असल में वो लोग पकड़े गए जिनका काम बनाने का है। जो लोग ये डायरेक्शन देने के लिए थे कि कहां पर पेस्ट करना है, उनको फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी रियायत बख्शी, उन्हें छुआ नहीं गया, इसलिए हमें और भी नाराजगी। और जो द्रामशाला में जो कार्यक्रम हुआ, हर सियासी पार्टी को ये इख्तियार है, जमहूरी हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करे, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाए, लेकिन वो जलसा एक सियासी जलसे से ज्यादा कंपनी को दबाने और डराने के लिए एक कार्यक्रम किया गया था। क्योंकि उस जलसे में जैसे लेबर या कोई जो अनएम्प्लॉयड यूथ प्रोटेस्ट करती है, उसी तरह से कंपनी हाय हाय के नारे लगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस नेशनल लेवल का रैंक का आदमी जनाब गुलाम नबी आजाद साहब बैठा है, और कंपनी को वो उससे ये साफ जाहिर हुआ कि ये कंपनी को अंडर प्रेशर करके जो आज से पहले लूटमार हुई है, जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंटों को डराया धमकाया गया और वहां कहा गया कि सिर्फ एक पार्टी को काम है। 19 टिप्पर और डंपर सगीना बिल्डर्स के वहां लगे, 19 टिप्पर और डंपर, और वो बात कर रहे थे कि कौन इनको चिट्ठी देता है, अंडर टेबल चिट्ठी, आपको किसने चिट्ठी दी, आपने किस की चिट्ठी पर वो डंपर वहां लगाए। उसके अलावा मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूं कि किन किन लोगों को, जो सुरुड़ी साहब के लोग हैं जिनको काम है, अब्दुल रशीद, दीवानचंद ठाकुर, गौतम शर्मा, जावेद इकबाल, मंजूर अहमद, मोहम्मद इकबाल, राजकुमार ठाकुर, रशीदा बेगम, सगीना बिल्डर्स, सूरज परिहार जो बीटीसी चेयरमैन है, उमर सजाद, उस्मान अली, यासिर हुसैन, विजय कुमार, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद इरफान, रफीक अहमद, इन लोगों को किसकी चिट्ठी पर वहां काम मिला है। ये सारमसार प्रोजेक्ट बंद कराने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और माजी में भी उसका हाथ रहा, जो जीवीके को यहां से भगाया गया, उसका मुकम्मल तौर से उसका रोल रहा। हम ये कहते हैं कि ये एक अब हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया है, इस किस्म की शरारतें, इस किस्म की गलतियां। और आजाद साहब को हम ये कहेंगे कैसे लोगों को वो साथ रख रहे हैं। इंपर्सोनेशन केस में इतनी बड़ी जालसाजी का जो मुद्दा वो सामने आया, किसी और की जगह, किसी और लड़की की जगह किसी और लड़की को एग्जाम देने के लिए बिठाया गया, इसमें कोई शक नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने लाया। क्वाड का प्रोजेक्ट, केरू का प्रोजेक्ट, रेटल का प्रोजेक्ट, भाई हमने प्रोजेक्ट लाया, अब आपको यही ठेका मिला है प्रोजेक्ट बंद करने का। 23 लोग इनके जिन ठेकेदार काम कर रहे हैं, 17 सगीना बिल्डर्स, 19 टिपर और डंपर इसने लगाए हैं, तो पूरे प्रोजेक्ट पर कब्जा है, फिर भी और कितना ब्लैकमेल। ये जलसा द्रामशाला की जगह इसलिए चुनी गई ताकि कंपनी और लेबर को हरास किया जाए और वो हमारे कहने और हमारे डिक्टेशन पर चले।